बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टूडेंट यूनिट नंबर वन के आज हमारा जो टॉपिक है वो उसमें हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है उसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। जी, इसमें जो उन्होंने हमें क्वांटिटीज दी हुई हैं उनको हमने प्रीफिक्सेस की मदद से फिर प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है 5000 ग्राम्स। स्टूडेंट, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 को मैं लिख लेता हूं 10^3, क्योंकि आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि 1000 है तो इसको 10^ जितने जीरोज होते हैं उतनी हम इसकी पावर बना कर लिख लेते हैं। तो इस तरह से 5 और 1000 की जगह 10^3 हमने ग्राम्स लिख दिए। अब प्रीफिक्सेस में हमें पता है, बताया था हमने चैप्टर में कि के इज इक्वल टू किलो की जो वैल्यू है वो 10^3 है। अब हम 5 10^3 की जगह किलो रख देंगे और 7 ग्राम, तो ये हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा हल हो गया। पार्ट नंबर टू फर्स्ट न्यूमेरिकल का, 2 1 2 3। स्टूडेंट्स, इसको अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख को अलग कर लेंगे और साथ हमारे पास आ रहा है इधर वाट। हम 2 मल्टीप्लाई बाय इन सब को चेंज करके प्रीफिक्सेस में करने के लिए 10^6 लगा दें, क्योंकि हमारे पास 6 × 0 है, 10^6 वाट हो गया। और प्रीफिक्सेस में हम जानते हैं कि हमारे पास जो मेगा होता है वो 10^6 के इक्वल होता है। अब हम 2 मेगा वाट मीन्स 10^6 की जगह हम मेगा लगा देंगे, तो पार्ट 2 भी हमारा हल हो गया प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 10^-10 केजी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब हम साइंटिफिक नोटेशन इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। इसको हम कर लेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10^-10 के जी। अब हमारे पास आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय, जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हमारे पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेसिस हमारी सेम है 10, तो 1 − 10 कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-9 के जी। जी, अभी तक हमने इसको कर लिया इस तरह केजी में 5. अभी साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमने इसको ठीक किया। अब हमने प्रीफिक्सेस को यूज करना है। प्रीफिक्सेस को अब यूज करने के लिए 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-9, अब किलो की जगह, ये जो केजी है, जैसे कि हम ऊपर केजी को 10^3 रखी थी तो केजी की जगह 10^3 हम करके तो 7 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम 5.2 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी वही करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर से हमारी ऐड हो जाएंगी, तो 10 − 9 एंड +3 ग्राम्स। तो ये आ जाएगा −6 ग्राम्स। तो अब हम 5.2, अब हम जानते हैं कि जो हमारा माइक्रो है वो इज इक्वल टू होता है 10^-6 के प्रीफिक्सेस के मुताबिक। अब 10^6 की जगह हम माइक्रोग्राम, तो ये हमारा
पार्ट नंबर जो है 3 वो भी सॉल्व हो गया 5.2 माइक्रोग्राम्स। अभी हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो इसी तरह सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेकेंड्स, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ इधर से 2 हो जाएगा, पॉइंट से आगे जितने डिजिट है उसकी पार लिख ली, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेकेंड्स। अभी हमारे पास बेसिस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, -6 सेकेंड्स। सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे माइक्रो की वैल्यू लगाई थी 10⁻⁴, जो वैल्यू है उसके प्रीफिक्सेस के माइक्रो की 10⁻⁶, तो 2.25 इसकी जगह 10⁻⁶ की जगह माइक्रो सेकेंड्स। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। How do prefixes micro, nano and pico are related to each other? जी सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 जो माइक्रो है वो इज इक्वल टू 10⁻⁶। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1000 और 10⁻³। सो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम 1000 से और डिवाइड भी कर देंगे हम 1000 से। दूसरे अल्फाज में ये हमारे पास 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड 10⁻³ हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जब ये 10⁻³ को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻⁴ हमारे पास -3 में हो जाएगा जाके ऊपर, नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में इसकी पावर हो जाएगी 10⁻⁴। अभी सबकी बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर लेंगे, -6 +3 एंड -3, तो ये हमारे पास +3 और -3 ये तो कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया 10⁻⁶ एंड -3 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ को अलग रख लेते हैं, यह हो जाएगा 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो अब ये जो हमारे पास 10⁻⁹ है ये इक्वल टू नैनो है, नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो अब हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय नैनो, तो इससे फिर प्रूव हो गया कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। मैं जो हमने सबसे पहले देखना था कि हाउ टू प्रूव माइक्रो और नैनो आप इसमें किस तरह रिलेट होते हो रहे हैं, तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनोस। अब हम क्या करेंगे, नाउ 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ हमने पुट कर लिया, ठीक है, क्योंकि नैनो की वैल्यू जो है वो
10 इस पावर माइनस होती है, तो 1 नैनो हमने कह दिया इसके इक्वल है। अब हमने इसको पीको के इक्वल करना है, तो उसी तरह ही जैसे हमने किया था मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 10 रेस पावर 3, तो उसी तरह ही हम अब कर लेते हैं 10 रेस पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेस पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पावर माइनस 9। उसी तरह 10 रेस पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पावर जो ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस 3 एंड 10 रेस पावर 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 10 रेस पावर 3 ऐसे कर लेते हैं, इधर बेसिस सेम और पावर्स हमारी ऐड, 10 रेस पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेस पावर हमारे पास माइनस 12 हो जाएगा। अभी इसका मतलब है 10 रेस पावर 3 जो हमारे पास 10 रेस पावर माइनस 12 है यही पीको के इक्वल होती है, पीको की जो प्रीफिक्सेस है वो 10 रेस पावर माइनस 12 है। अब हम 10 रेस पावर 12 की जगह हम पीको कर लेंगे, तो फिर इसका मतलब है 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको। तो इस तरह से ये हमारी तीनों चीजें रिलेट हो गई कि माइक्रो नैनो पीको आपस में किस तरह रिलेट होते हैं, तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो एंड 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी हल हो गया। अगर दोबारा मैं बताता चलूं तो 1 माइक्रो 10 रेस पावर 6 हम ले लेंगे पहले, एक 1 माइक्रो जो हमारा है, अब इसको 10 रेस पावर माइनस 6 को हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1000, और 1000 का इनवर्टली साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो 10 रेस पावर 3 के इक्वल होता है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडिंग बाय 1000। अब इसकी जगह 1000 की जगह 10 रेस पावर 3 एंड 10 रेस पावर 3 रख ली हमने, इस 3 को अब हमने ऊपर शिफ्ट कर लेना, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अभी हम नेगेटिव और नेगेटिव वालों को एक तरफ रख लेंगे, एक साथ रख लेंगे, और 10 रेस पावर माइनस 3 को एक साथ। अभी जब हमारी बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो 10 रेस पावर माइनस 9 है वो हमारा नैनो के इक्वल है, तो 10 रेस पावर 9 की जगह हमने नैनो पुट कर लिया, 10 रेस पावर 3 ऐसे ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। सेकंड पे अब हमने देखना था कि अब नैनो को पीको के इक्वल करना है, तो अब हम जो नैनो है हमारा 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेस पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 रेस पावर 3, तो 10 रेस पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 10 रेस पावर माइनस 9 को, देन ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू पॉजिटिव में है उसकी पावर पॉजिटिव में, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगी, 10 रेस पावर माइनस 3 एंड 10 रेस पावर माइनस 9 इसी तरह ही आ जाएगा। बेसिस सेम हो जाएंगी, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेंगे, फिर माइनस 3 एंड माइनस 9 माइनस 12 आ जाएगा, 10 रेस पावर 3 ऐसे ही, 10 रेस पावर जो माइनस 12 है पीको के इक्वल होती है। तो इस तरह से 10 रेस पावर माइनस 12 की जगह हम नेक्स्ट पीको पुट कर लेंगे, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको। इस तरह नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.3, उसमें है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। जी इसमें वो कह रहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि जो हमारा बाल है, कोई कहता है आपका बाल एक दिन में 1 मिलीमीटर ग्रो कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, हमारा बाल जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे ग्रो कर रहा है, तो उसकी हमें नैनोमीटर पर सेकंड के रेट में हमें उसकी ग्रोथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, लेंथ ऑफ हेयर इज इक्वल टू 1 mm। अब हम 1 मल्टीप्लाई बाय मिली की जगह हम 10 रेस पावर 3 पुट कर लेंगे,
मीटर हो जाएगा। अब हमने इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया तो मिली की जो वैल्यू है वो 10^-3 होती है, तो मिली की जगह हमने 10^-3 पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम अब हमारे पास एक दिन की बात हो रही है, तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में हर एक मिनट में मींस के हर एक आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये हमारे पास सेकंड्स में आ जाए। तो 24 × 60 × 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकंड्स। जी अब हम फार्मूला लगाते हैं इसका, ग्रोथ रेट पर डे। ग्रोथ ऑफ हेयर इन लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। जी ये हमने फार्मूला पुट कर लिया ग्रोथ रेट पर डे फाइंड करने के लिए, ग्रोथ ऑफ हेयर इन लेंथ ओवर टाइम। तो ग्रोथ ऑफ हेयर इन लेंथ हमारे पास ये आ रही है 1 × 10^-3 m बाय टाइम हमारे पास आ रहा है 86400 सेकंड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 1 / 86400 कर लेंगे, 1 / 86400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.157 × 10^-5, और ऊपर हमारे पास ये जो 10^-3 ये 7 मीटर ऐसे आ जाएगा, और ये जब सेकंड भी ऊपर जाएगा तो पर सेकंड उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1.157 × 10^, बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, तो 1.157 × 10^, इधर माइनस 3 था तो अब इधर आके माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा −8 ms − 1। स्टूडेंट इधर तक हमारे पास आ गया 1.157 × 10^-8 m/s, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में करना है। मीटर पर सेकंड में तो अभी तक हमारे पास आ गया, अभी हमने इसको नैनो में करना है। तो जो नैनो की वैल्यू है वो हम जानते हैं 10^-9 के इक्वल होता है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 10^-8 की जगह 10^-9 होगी, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है कि हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं 11.57 करके, तो 10^-1 हमारे पास इधर से आ जाएगी और 10^-8 ये हो गया ms − 1। तो फिर 1157 × जब हम बेसिस सेम में पावर ऐड करेंगे तो 10^-9 आ जाएगा हमारे पास ms − 1 में, और फिर 1157 × 10^-9 की जगह हम नैनो पुट कर लेंगे और साथ ms − 1। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमें नैनोमीटर पर सेकंड में ग्रोथ चाहिए थी तो वो हमने फाइंड कर ली, तो हमारे पास आ रहा है 11.57 nm/s। तो जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी ओवर हुआ, इसमें हमने लेंथ ऑफ हेयर पहले नोट की 1 mm, मिली की जगह हमने 10^-3 उसके प्रीफिक्सेस लगा दी, मीटर में चेंज हो गई, टाइम्स को 24 आवर था, 24 आवर्स में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इन सबको सेकंड में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86400 सेकंड हमारे पास आ गए। अब हम ग्रोथ रेट पर डे के हिसाब से अगर फाइंड करने तो उसका फार्मूला ग्रोथ ऑफ हेयर इन लेंथ ओवर टाइम। ग्रोथ ऑफ हेयर ये हमारे पास डाटा में था 1 × 10^-3 m, ओवर टाइम हमने 86400 सेकंड लिख लिए। सबसे पहले हम 1 / 86400 कर लेंगे तो हमारे पास 1.157 × 10^-5 आ जाएगी, −3 उसी तरह रहेगा, मीटर भी उसी तरह रहेगा और सेकंड ऊपर जाके इनवर्स माइनस पावर में उसकी हो जाएगी, तो ms − 1 आ जाएगा। अभी हमारे पास जब बेसिस सेम हुई पावर ऐड कर ली 10^-5 − 3 हमारे पास इक्वल टू 10^-8 हो जाएगा। अभी हमें मीटर सेकंड में आ गया था, मीटर पर सेकंड में भी हमें नैनोमीटर पर सेकंड में चाहिए था। ठीक है, नैनोमीटर पर सेकंड से करने के लिए हम पॉइंट को फिर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि नैनो हमारा 10^-9 था और हमारे पास 9 − 8 आ रहा था, पॉइंट को नेक्स्ट शिफ्ट किया −1 हमें इधर से मिल गया −8 और −1 −9, तो 10^-9 की जगह हम नैनो पुट कर लेंगे तो 11.57 nm/s आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 1.4, रीराइट द फॉलोइंग।
इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नंबर वन पे हमारे पास है 1160 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -27. स्टूडेंट इसको हल करना शुरू करते हैं. इसको उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होना ये चाहिए था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए था. वो क्रिएट करते हैं 1.160 अब मल्टीप्लाई बाय पॉइंट क्या थ्री डिजिट्स आ गए तो 10 इज पावर 3 बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -27. 1.160 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम पावर हम ऐड कर लेंगे तो 10 इज पावर -24 ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया -24. सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए. वो हमने पॉइंट इधर क्रिएट कर लिया और नेक्स्ट जितने भी हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट आ गए वो 10 रेज़ टू पावर 3 हमने बना लिया. उसका 3 डिजिट्स थे, 3 पावर बन गई उसकी. अब हमारे पास बेसिस सेम है, इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर लेंगे तो 3 -27 हो जाएगा. तो 27 में से 3 माइनस कर लेंगे तो -24 हो जाएगा. सेकेंड पार्ट जिसका बी पार्ट है वो है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5. इसको भी इसी तरह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 3 के बाद पॉइंट लगा के 2, इधर से हमें 10 पावर 1 मिल जाएगी और फिर इसी तरह आगे नेक्स्ट 10 रेज़ पावर 5 है तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय दोनों को ऐड कर लेंगे 1 + 5 तो हमारे पास हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6. सेकेंड पार्ट भी हमारा हल हुआ. सी पार्ट में है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 केजी. जी स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब इधर से हमें 2 मिल जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -5 केजी. अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिस सेम है, पावर से हमारी ऐड हो जाएंगी, 2 - 5 केजी हो जाएगा. 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 में से -5 कर देंगे तो -3 केजी. अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास ग्राम में आनी चाहिए, चूंकि इधर हमारे पास किलोग्राम है तो इधर किलो के भी हम साथ प्रीफिक्सेस यूज कर लेंगे. मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 3 ग्राम्स. 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -3 एंड +3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 7.25 ग्राम्स हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. जी 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5 केजी क्वेश्चन था हमारा. सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए था, वो हमने पॉइंट लगाया 7.25, नेक्स्ट पॉइंट क्या के दो डिजिट थे वो हमारी पावर 10 रेज़ टू पावर 2 आ गई. 10 रेज़ पावर -5 भी इसी तरह और केजी भी साथ इसी तरह. 7.25 मल्टीप्लाई बाय जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं. बेसिस सेम 2 - 5 कर लिया तो 2 में से -5 करेंगे तो -3 केजी आ जाएगा. 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 केजी. नेक्स्ट अब हमारे पास ये केजी था लेकिन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ग्राम्स में होती है. ग्राम्स में होती है 10 रेज़ पावर -3, किलो की जगह हम 10 रेज़ पावर 3 लगा लेंगे, ग्राम्स में हो जाएगा. अभी फिर अगेन हमारी बेसिस सेम है, पावर्स हम ऐड कर लेंगे, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा तो 7.25 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4D, उसमें हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -8. जी स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो हमारा है वो 2 है हमारे पास. तो 0.02 के बाद जब हम इधर पॉइंट लगाएंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम वैल्यू पुट करते हैं या पावर लगाने के लिए माइनस में वैल्यू आ जाएगी -2. मीन्स जो पॉइंट हमने लगाया वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए. जब इसकी पावर लिखते हैं तो फिर दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स आते हैं वो लिखते हैं और साथ उसकी पावर नेगेटिव में आ जाती है. अभी हमारे पास हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, बेसिस हमारी सेम, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं -2 एंड -8, 10 रेज़ टू पावर -10 हमारे पास जो है वो हमारा
आंसर आ गया, इसको आप 2 × 10⁻¹⁰ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 1.4 भी जो है वो न्यूमेरिकल हल हुआ जी। नेक्स्ट हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल 1.5, जिसमें कह रहे हैं हमें राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म जी। पार्ट वन पे हमारे पास 6400 किलोमीटर्स है जी। इसमें अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी तरह ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया 6.400। अभी हमारे पास 10⁻¹⁰ नेक्स्ट 3 डिजिट है, तो 10⁻¹⁰ हमारे पास 3 बन जाएगी के एम किलोमीटर। अभी हमारे पास 6.4 × 10⁻³, अब किलो की जगह भी हम पुट कर देंगे 10⁻³ मीटर में आ जाएगा ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 6.4 × जब हम बेसिस ऐड करेंगे 3 + 3 m, तो 6.4 × 10⁻⁶ m हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो मेगा होता है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है, तो अब हम 6.4 × 10⁻⁶ की जगह मेगा और 7 मीटर रख देंगे ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई 6.4 मेगामीटर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट टू है हमारा 3 8 4 0 KM जी। उसी तरह इसको भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गए, तो 10⁻⁵ किलोमीटर। तो ये हमारा इतना इतना आंसर आ गया 3.8। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 3 00 एंड देन 000 एंड अगेन 000। तो इसको भी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 × 10⁻⁸ पॉइंट के आगे हमारे 8 डिजिट्स आए हैं, तो 10⁻⁰ हमारे पास 8 हो जाएगी और साथ हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हमारे पास आ गया। जी अब हमारे पास पार्ट नंबर हमारा 4 है और इसमें वो कह रहे हैं सेकंड्स इन अ डे, वन डे में कितने सेकंड्स होते हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो सेकंड्स इन अ डे, अभी हम जानते हैं कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हमने सबसे पहले 24 वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, फिर 1 आवर में 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तमाम को 24 × 60 × 60 तो वो हमारे पास आ जाएगा 86,400। तो इसको साइंटिफिक में चेंज करने के लिए 86,400 को करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट, 8 के बाद पॉइंट 6400 × 10⁻⁴ पॉइंट के आगे 1 2 3 4 डिजिट्स आ गए। तो इस तरह से हमारे पास 8.64 × 10⁴ सेकंड्स। तो ये हमारे पास हमारी जो रिक्वायरमेंट थी सेकंड्स में, हमें चाहिए था एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.6। स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहे हैं ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल
ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को क्लोज करने से जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल के ऊपर हमारा जीरो था वो इज ऑन द राइट साइड ऑफ इट्स मेन स्केल, वो मेन स्केल के राइट साइड पे आया, सच डेट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, जैसे कि कहता है वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन थी वो कंसाइड हो रही थी विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, वो मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन के साथ अटैच हो रही थी, कंसाइड कर रही थी, फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, इसका हमने जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन फाइंड करना है, तो इसका मैं सॉल्यूशन ही करने लगा हूं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, जीरो एरर, और फिर हमने फाइंड करना है जीरो एरर करेक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी मेन स्केल डिवीजन क्या थी, जीरो पॉइंट जीरो, इसमें बिल्कुल जीरो एरर नहीं है, हमारे जो जो दोनों जार्स हमने आप इसमें उनको क्लोज किया तो वो जो मेन स्केल के डिवीजन है बिल्कुल जीरो पॉइंट जीरो बिल्कुल राइट पे आई उसकी। अब हम नंबर ऑफ लिखते हैं, नंबर ऑफ वन स्केल डिवीजन जो कंसाइड कर रही है हमारी मेन स्केल के साथ वो है फोर डिवीजंस, जो नंबर ऑफ स्केल जब हमने उस चीज को अंदर रखा और वो फिर जब डिवीजन उसकी फाइंड करनी थी हमने, तो जो वर्नियर स्केल की डिवीजन थी वो मेन स्केल की फोर्थ डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही थी। अब मैं इसका फॉर्मूला पुट करता हूं, वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजंस जो कंसाइड कर रही हैं मेन स्केल के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के साथ, मींस हमारा फार्मूला वर्नियर स्केल की अगर हमने रीडिंग लेनी है तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड विद मेन स्केल, मींस वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन हमारी मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लीस्ट काउंट के साथ जी। तो ये जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन था ये हमारे पास फोर थी, तो इसकी जगह फोर मल्टीप्लाई बाय, अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है वो हमने टॉपिक में पढ़ा था, लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब जीरो एरर, सबसे पहले हमने ये जीरो एरर अब फाइंड करना था हमने, ये तो रीडिंग आ गई हमारे पास, तो जीरो एरर मेन स्केल मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जी मेन स्केल रीडिंग कितनी थी 0.0 सेंटीमीटर एंड वर्नियर की हमारे पास कितनी आ गई 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.04 सेंटीमीटर, और अगर इसकी हमें जीरो करेक्शन करनी है तो वो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी, जीरो करेक्शन माइनस 0.04 सेंटीमीटर हमारे पास, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.6 भी हमारा हल हो गया जी। स्टूडेंट्स 1.7 जो हमारा न्यूमेरिकल है, स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, एक स्क्रू गेज की जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे वो 50 है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, जो स्क्रू गेज की पिच है वो 0.5 मिलीमीटर की इक्वल है, और व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, तो स्क्रू गेज का हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है, उसके भी सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज की जो पिच है हमारे पास वो 0.5
mm है और उसकी जो नंबर ऑफ डिवीजंस है हमारे पास ऑन सर्कुलर स्केल पे वो 50 है। हमने फाइंड करना है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो उसका फॉर्मूला लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। हमारे पास 0.5 मिलीमीटर आ गया डिवाइडेड बाय डिवीजंस हमारे पास 50 थी जी। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 50 तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। तो ये हमारे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। जी ये हमारे पास मिलीमीटर में आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 0.01 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हमारा मिलीमीटर में आ गया और ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा 1.7 भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 1.8 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सी क्वांटिटीज में हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो नंबर वन पे 3.0066 एम, सेकंड पे हमारे पास 0.00309 केजी, नंबर थ्री पे हमारे पास 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10^-27 के जी, एंड फोर पे 301.0 जी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। पहले में हमारे पास 5 आ गए। सेकेंड पे नंबर ऑफ हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जो 309 है ये 3 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट से हमारे पास 3 हो जाएंगे। उसके बाद ये भी हमारे पास चूंकि 0 मिड में ही आ रहा है तो ये 3 काउंट हो जाएंगे, तो इसके भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी हमारे पास 3 है। और ये भी उसके बाद पॉइंट से पहले पहले जो हमारे 3 डिजिट्स हैं तो ये भी हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी 3 हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो लास्ट वाले हमारे पास 3 थे इनके हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं। तो इस तरह से 1.8 भी हमारा खत्म हुआ। इसमें जस्ट यही बताना था कि 3 हमारे पास किस किस में 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। व्हाट आर 9 वाला न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द फॉलोइंग मेजर्स। ऊपर वाले में उसने हमें कहा था 3 किस में है, लेकिन इसमें उसने कहा है कि इसने पूछ लिया कि सिग्निफिकेंट तमाम वैल्यूज में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1.9 में फर्स्ट वाले पे हमारे पास है 1.009 मीटर,
तो स्टूडेंट्स इसमें कितने हो गए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें तमाम के तमाम ही काउंट होंगे, तो क्योंकि जीरो दो मिड में है तो वन टू थ्री एंड फोर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फोर। सेकंड पे हमारे पास कितने 0.00450 केजी, तो इसमें जैसे पिछले न्यूमेरिकल में ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे थ्री आ गए हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट थ्री, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10^-27 के जी, इसमें हमारे पास थ्री डिजिट्स ये आ रहे हैं, तो फिर उसी तरह नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर थ्री। नेक्स्ट नंबर फोर पे 2001 सेकेंड्स, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो इस तरह से 1.9 भी हमारा न्यूमेरिकल जी। इसमें वो कहते हैं चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक जो चॉकलेट का रैपर है वो 6.7 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 5.4 सेंटीमीटर वो वेड है, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका हमने एरिया जो फाइंड करना है वो अप टू रीजनेबल फिगर्स तक, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डाटा नोट करते हैं, वो क्या है लेंथ ऑफ रैपर, लेंथ ऑफ रैपर हमारे पास L1 उसको कह लेते हैं 6.7 सेंटीमीटर थी, फिर उसके बाद हमारे पास विड्थ, विड्थ था उसकी चौड़ाई कितनी थी उसकी रैपर की, उसको L2 कह लेंगे, वो थी हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है एरिया, तो फार्मूला हो गया हमारे पास एरिया किसी भी चीज का फाइंड करने के लिए, हम फार्मूला जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि लंबाई को उसकी चौड़ाई से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास क्या है 6.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ हमारे पास क्या है 5.4 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर तो वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर, जिसकी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो अब इसमें द नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिजल्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मिनिमम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द ऑब्जर्व डाटा, तो थस हमारे पास जो रीजनेबल उसने कहा था रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो हम इसमें फिर एरिया जो हो जाएगा वो हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं वो डाउटफुल हैं, तो एक्यूरेट जो डिजिट हैं वो 36 हैं, तो एरिया जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूं हमारे न्यूमेरिकल 1.10 तक क्लियर हो गए जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम हमारे पास जो हमारे मल्टीपल चॉइस हैं उसको अब हल करते हैं एंड सर्कल द करेक्ट आंसर्स जी। फर्स्ट पे हमें द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR, तो ये हमने सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़ा था कि हमारे पास कितने वो हैं यूनिट्स, वो टोटल हमारे पास 7 थे, तो फर्स्ट का जो सी पार्ट है 7 वो हमारा आंसर हो गया। सेकंड है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सी ड्राइव यूनिट नहीं है, तो जो पास्कल है वो भी हमारी ड्राइव यूनिट है, न्यूटन जो है वो भी हमारी ड्राइव यूनिट है, और वाट भी हमारी ड्राइव यूनिट है, तो सेकेंड नंबर पर जो हमारे किलोग्राम है वो is not a drive unit। ये बी वाला जो हमारे पास ऑप्शन है बी वाला किलोग्राम ये हमारा ड्राइव यूनिट नहीं है। उसके बाद नंबर थ्री पे अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ अ नंबर इज मेजर्ड इन, तो ये हमने पढ़ा था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका जो सिंबल था वो हमारे पास था एम, और इसका जो यूनिट था वो हम इसको किसमें मेजर करते थे वो था हमारे पास मोल, तो यूं इसका जो डी वाला ऑप्शन होगा मोल वो हमारा इसका आंसर है कि कौन हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, तो वो हम मोल में करते हैं, उसके जो यूनिट है वो मोल है।
नेक्स्ट हमारे पास 4 है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो एस इज इक्वलेंट टू, मीन्स 200 जो हमारे माइक्रो सेकेंड्स हैं वो किसके इक्वलेंट होंगे नंबर 4 पे। तो ये हमारे उसने दिए हुए हैं 200, ठीक है, तो 200 माइक्रो एस, तो इसको हम क्या करेंगे, 200 एक तो माइक्रो की जगह हम 10^-6s लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 10^2 इधर से आ जाएंगे और 10^-6 इधर से आ जाएंगे, तो 2 × 10^-4 सेकेंड, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो हमारा है 2 × 10^-4 सेकेंड्स, ये हमारा 4 वाले का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 हमारा मल्टीपल चॉइस है, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो नंबर 1 पे 0.01 ग्राम्स, फिर उसके बाद 2 मिलीग्राम है, फिर 100 माइक्रोग्राम्स हैं और फिर 5000 नैनोग्राम है। तो ये जो हमारे पास हमारा ऑप्शन डी है 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो की आप वैल्यू जानते हैं वो 10^-9 है, तो सबसे जो छोटी वैल्यू हो गई वो 10^5000 नैनोग्राम हो गई। तो ये हमारे 5 एमसीक्यूज हो गए। टेस्ट नंबर 6 में क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, मीन्स ये एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो इसका इंटरनली ये वाला मापने के लिए, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास सूटेबल होगा। तो मीटर रूल से भी अंदरूनी मापना है, या तो अगर इस तरफ मापना होता तो हमारे लिए इजी था, मीटर रूल से भी माप सकते थे, ठीक है, मेजरिंग टेप से भी माप सकते, लेकिन इसका अंदरूनी जो हमारे पास डायामीटर है उसको मापना है, तो इसके लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है जो हमारी मदद करेगा इसको मोस्ट सूटेबल तरीके से मापने के लिए, तो वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। नंबर 7 पे हमारे पास है, स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल से उसने एक वायर को मापा और उसने कहा इसकी जो लेंथ आई वो मेरे पास 1.032 सेंटीमीटर आ गई, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, तो आप इसकी कौन सी वैल्यू तक इसे एग्री करते हैं कि इसने ठीक मापा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर 2 पे 1.0 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर 3 पे जो है 1.03 है, क्योंकि 1.32 है तो इधर तक जो है वो हम माप सकते हैं, उसे एग्री कर सकते हैं, 2 जो है वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मे बी वो उसके मापने में थोड़ा उसको देखने में ऑब्जर्व करने में थोड़ी मुश्किल हुई हो या हो सकता है नहीं भी हुई हो, तो इसलिए 1.03 तक जो सेंटीमीटर तक है वो हम उसे एग्री करेंगे और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट है 1.03 सेंटीमीटर। नंबर 8 पे हमारे पास है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर, एक जो मेजरिंग सिलेंडर है वो किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, ये हम टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं, मास को भी नहीं होता, एरिया भी नहीं हम उससे मेजर कर सकते, तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो हमारे पास सिलेंडर है वो हमारा यूज होता है, ये है ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम। नेक्स्ट 9 पे है, स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट, एक स्टूडेंट ने एक ग्लास शीट की जो थिकनेस है उसको फाइंड करना चाहा, नोट किया उसने स्क्रू गेज की मदद से, ऑन द मेन स्केल उसकी जो मेन स्केल की रीडिंग थी वो 3 डिवीजन आई और 8 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, और जो इंडेक्स लाइन थी वो 8 डिवीजन के साथ सर्कुलर स्केल के साथ कंसाइड कर रही थी, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो 3 थी और इंडेक्स लाइन के साथ वो कंसाइड 8 डिवीजन पे कर रही थी, 9 वाला ऑप्शन है हमारा, तो इस पे हमारा जो डी वाला ऑप्शन होगा वो होगा 3.08 मीटर्स वाला, ये ठीक होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे जो है वो लास्ट पे है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब हमने टॉपिक किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, ठीक है, तो 10 वाला हमारे पास जो है वो यही होगा, तमाम जो है सबसे पहले ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल, डाउटफुल डिजिट, तो ये हमारा
जो टेंथ न्यूमेरिकल हैं सॉरी टेंथ मल्टीपल चॉइस हैं वो भी कवर हुए। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कवर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।